इस वक्त मैं दिल्ली के आईटीओ पर मौजूद हूँ। लगातार आज भी यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद दिल्ली के हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर घुटनों तक पानी जमा हो गया है। पूरी जो सड़क देखिए, सामने तक जो फुटपाथ आईटीओ की तरफ, जो निगम बोध घाट की तरफ, जो कश्मीरी गेट की तरफ ये जो रास्ता जाता है, देखिए तमाम पूरी तरह से सड़क जलमग्न हुई पड़ी है। देख सकते हैं किस प्रकार से घुटनों तक पानी भरा हुआ है, लोग किस तरीके से निकल रहे हैं। देखिए गाड़ी हो या टेम्पो चालक हो या ऑटो चालक, सभी को परेशानी हो रही है। हालांकि पुलिस ने इस रोड पर बैरिकेडिंग भी की गई है, लेकिन फिर भी लोग यहां से गुजर रहे हैं क्योंकि ज़रूरतमंद लोगों को यहीं से जाना होता है। तस्वीरें देख सकते हैं, यमुना में जलस्तर तो कम हुआ है लेकिन जो हालात हैं जलमग्न के वो पूरी तरह से बेबस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर भी पानी लगातार भरा हुआ है। बता दें कि 3-4 दिनों से यहाँ पर आईटीओ के ऐसे हालात हैं और यहाँ पर एक व्यक्ति भी मौजूद है, देखिए पूरे सूट बूट में यहाँ पर खड़े हुए हैं और इनके हाथ में है कि दिल्ली बाढ़ का जिम्मेदार इस्तीफा, केजरीवाल जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। आज हम इनसे खुद जान लेते हैं क्या वजह है, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं। क्या नाम है आपका? सर बाहुबली। कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ सर। अच्छा, क्यों आज आप यहाँ खड़े हुए हैं, क्या वजह है? सर मैं 2 दिन से रेगुलर आ रहा हूँ यहाँ पर, यही हालात हैं। क्या केजरीवाल जी बताने का कष्ट करेंगे कि यमुना को साफ़ करने, आपके ड्रेनेज सिस्टम साफ़ नहीं है, आपकी नाले साफ़ नहीं है, यमुना को साफ़ करने वाला बजट 6,856 करोड़ रुपए कहाँ गया? क्या उसको भी आपने 45 करोड़ के बंगले में उनको इस्तेमाल किया है यमुना के बजट को? अरे केजरीवाल जी ये तो ये कह रहे हैं जो बाढ़ की जिम्मेदार भाजपा सरकार है, तमाम आरोप लगा रहे हैं। सर जी दिल्ली में मैं कह रहा हूँ केजरीवाल जी को अगर बुखार भी आ जाए ना, इनके घर की लाइट भी कट जाए तो वो मोदी जी ही करते हैं। दूसरी बात, अगर दिल्ली में प्रदूषण होता है तो हरियाणा और यूपी जिम्मेदार होते हैं, दिल्ली में फ्लड आता है तो वो हमें हरियाणा और यूपी जिम्मेदार होते हैं। केजरीवाल कभी किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेंगे कि नहीं लेंगे? वो दिल्ली सरकार में बैठ के और MCD में बैठ के अंडे छील रहे हैं। अच्छा आप क्या नौकरी करते हैं, क्या करते हैं? सर मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ। तो आज आप परेशान होकर यहाँ पर खड़े हुए हैं? सर कोई देखे या ना देखे, मैं तो देख नहीं सकता है दिल्ली के हालात क्या है। ये के आम आदमी पार्टी को या केजरीवाल जी को दिल्ली की दुर्दशा दिखाई नहीं दे रही है? देखिए यहाँ पर ये जो नागरिक हैं ये प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं, साफ तौर पर इनके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा है क्योंकि इनका कहना है कि हम रोज़ यहाँ से गुजरता था लेकिन आज के जो हालात की तस्वीरें देख सकते हैं, जो महिलाएँ यहाँ से निकल कर जा रही हैं। राजधानी दिल्ली की अगर हालातों की बात करें तो इसी प्रकार के हालात अभी भी बने हुए हैं। हालाँकि जब यमुना का जलस्तर तो कम हो रहा है लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में कल हुई बारिश के बाद आज यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी भी देखी गई है और हालात दिल्ली के बद से बदतर होते जा रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं, ये आईटीओ की तस्वीरें हैं, पास में ही पुलिस हेडक्वार्टर है, दूसरी तरफ जो इनकम टैक्स का ऑफिस है वो भी बना हुआ है। और देखिए ये जो आईटीओ की तरफ जो रास्ता, ये जो कश्मीरी गेट की तरफ और जो निगम बोध घाट सचिवालय की तरफ जो रास्ता जाता है वहाँ के ये हालात अभी भी बने हुए हैं। 3-4 दिन पहले भी यहाँ के ऐसे ही हालात बने हुए थे लेकिन आज के हालातों की अगर बात करें तो यमुना में जलस्तर जिस प्रकार से आज बढ़ता हुआ देखा जा रहा है उसको लेकर फिर से जो रिहायशी इलाके हैं उनमें भी पानी देखा जा रहा है और फिर तस्वीर राजधानी दिल्ली की भयावह होती जा रही है। हालांकि मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी कहा है, मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि अगले 2-3 दिन में दिल्ली में भारी वर्षा होगी जिसके बाद कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के लिए एक और मुसीबत खड़ी होने वाली है। दिल्ली से निखिल कुमार, ETV भारत।